हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपने चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आप देख सकते हैं कि मैं जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो फैकल्टी पोजीशंस में जाए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, लेक्चरर की पोजीशंस को, ये वीडियोस को मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे सीएसआई यूजीसी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे भी रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं आपको एमएससी पीएचडी या बीएससी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में भी यहाँ पे रेगुलरली अपलोड अपडेट करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी मैं यहाँ पे जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि हेल्पफुल होते हैं, सीएसआई जेआरएफ एग्जाम, आईसीएमआर जेआरएफ गेट, नीट, बीएससी, मिस इंटेंस एग्जामिनेशन भी मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट आप रेगुलरली देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से आया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका यहाँ पर डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है और आपका फी पेमेंट भी 28 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 27 अक्टूबर है और लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 27 अक्टूबर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की और फैसिलिटेशन चार्जेस इन इंडियन रूपी, तो आपको यहाँ पर देखिए अगर आप अनरिजर्व EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ जो है वो चार्ज कर आपका एप्लीकेशन फी पेमेंट फी है और यहाँ पे 50 रुपीज़ जो है वो फैसिलिटेशन चार्जेस, टोटल आपको 1550 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर वही बात करें SC ST से तो आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और 50 रुपीज़ फैसिलिटेशन चार्जेस, तो टोटल 650 रुपीज़ जो है टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप PWD दिव्यांग या वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी और आपको यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेशन चार्ज जो है आपको पे करना है 50 रुपीज़। ठीक है। तो इसके अलावा दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस ऑन 23 अप्रैल 2019, तो आपको यहाँ पे अगर जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फी, 50 रुपीज़ आपका फैसिलिटेशन चार्जेस, टोटल आपको 550 रुपीज़ ही पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फी, 50 रुपीज़ आपका फैसिलिटेशन चार्जेस, तो टोटल आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप PWD दिव्यांग एंड वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटेशन चार्ज 50 रुपीज़ पे करना है और आपको यहाँ पे जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है ये तीनों पॉइंट जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं 23 अप्रैल 2019 को जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसमें। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वैकेंसी पोजीशन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट मल्टीपल लाइक डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी ओनली है और ये जो वैकेंसी है OBC में है। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी दिव्यांग के लिए अलग से यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। वहीं अगर बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में टोटल यहाँ पे 14 वैकेंसी है जिसमें 7 अनरिजर्व है, 2 EWS कैटेगरी से बिलोंग करती है और 3 जो है आपका OBC कैटेगरी है, 1 SC 1 ST से। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए जिस भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 47 डिसिप्लिन में यहाँ पे टोटल वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करने पे और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि बाकी जो रूल है वो आपको एज पर जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका सेम ही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है मैं आप यहाँ पे इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स में आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, प्योर हिंदी में दे रखा है कि अगर आप वो सपोज आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है MSc होना चाहिए प्लस आपका PhD होना चाहिए और आपका मिनिमम जो है वो 10 ईयर्स का तो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस आपका चाहे टीचिंग में हो और चाहे आपका वो रिसर्च में हो। ठीक है, तो ये जो है एलिजिबिलिटी है ये प्रोफेसर की है। वही हम बाकी एसोसिएट प्रोफेसर की तो यहाँ पे आपका PhD होना चाहिए प्लस आपका मिनिमम 8 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हो गया है। अब हम बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास PhD होना चाहिए,
पीएचडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली पीएचडी होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है, रिलेवेंट सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है जो मोस्टली जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब जगह ये फॉलो की जाती है। अब आप देख सकते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका जो है क्या एलिजिबिलिटी, जो उन्होंने एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या मानी है। तो अदरवाइज मैं जो आपको यहाँ पे बता दिया है तो सारी एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी। हम देख लेते कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिलेक्शन जो है आपका वो किस बेस पे किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा कि आपका आई थिंक एपीआई इंडेक्स के बेस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एपीआई इंडेक्स के बेस पे आई थिंक सिलेक्शन होगा, इन्होंने क्लियरली देखते हैं मे बी नीचे मेंशन कर रखा होगा, ये पूरा हिंदी में ही फॉर्म है। तो देखिए और सारा चीज़ें मैं आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, डेट्स के बारे में सारा मेंशन कर रख चुका हूँ मैं आपको, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पे देख सकते हैं आप। और ये प्योर हिंदी में इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो एलिजिबिलिटी वो ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी इन्होंने वैसे ही लिख रखा है कि विश्वविद्यालय वरिष्ठ आचार्य, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली जो है मेंशन कर रखा है प्रोफेसर के लिए आपको 10 ईयर्स का जो है वो आपका जो है रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राचार्य और आचार्य के लिए, इसके अलावा अगर हम बात करें सहायक आचार्य के लिए तो यहाँ पे देखिए आपका जो है पीएचडी होना कंपलसरी है विद, यहाँ पे आपका जो है एमएससी 55% मार्क्स के साथ, वहीं अगर पीएचडी जो है वो आपका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने पीएचडी 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया पीएचडी में तो आपका पीएचडी जो है रेगुलर मोड में होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एग्जामिनर्स ने आपकी पीएचडी को एवेलुएट किया होना चाहिए, आपका ओपन पीएचडी वाई वॉइस होना चाहिए, और मिनिमम 2 आपके रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए आपके थीसिस से। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ ऑलरेडी मैंसन कर लिया है लाइक। और यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा हर सब्जेक्ट का जो है एग्जैक्ट क्या क्या आपका जो है लाइक एक्सपीरियंस या एलिजिबिलिटी वो सारा यहाँ पे देख इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आप ये जो है एग्जैक्ट अपने जिस भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हों तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है इस नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दे रखी इन्होंने, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या आपको प्रोफेसर की लाइक पोस्ट आपको मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देखिए ये बाकी तो और अदर थिंग दे रखी है, शिक्षण के दिवस यानी हॉलीडे का दे रखा है। तो ऑलमोस्ट ये जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब जगह जो एक ही टाइप का जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दे रखा कि बाकी आपका पे स्केल भी दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे जो है आपका जो ग्रेड सिस्टम के बारे में कुछ दे रखा है कि एपीआई इंडेक्स के बारे में कि आपको कैसा जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में शिक्षकों हेतु आकलन मानते में प्रक्रिया नहीं है, ये आपका एपीआई इंडेक्स है। तो आई थिंक यहाँ पे जो आपका लाइक सिलेक्शन होगा वो एपीआई इंडेक्स की बेस पे होगा, जैसे यहाँ पे 80% से अगर आपके ऊपर मार्क्स हैं तो आपको जो है लाइक अलग से अच्छा यानी गुड मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो मोस्टली जो है वो आपका ये परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो मे बी जैसे कि 6 मार्क्स अगर मैं इस टाइप में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए अगर आपको जो है अदर यहाँ पे इन्होंने जो पोर्शन दे रखा है जैसे आपका जो है लाइक नेट का अलग मार्क्स होता है, नेट विद जेआरएफ अलग मार्क्स होता है आपका, ऐसे आपका जब अगर 5 पब्लिकेशंस हैं तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। वही अगर आपका 5 ईयर्स का अगर आपका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग रिसर्च में तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको लाइक ये आई थिंक मे बी शिक्षकों प्रणाली में भी ये आपका जो है वो आपका एसोसिएट या एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आप इन्होंने जो है ये एपीआई इंडेक्स जो है निकाला है। तो ये जो है बात कर रहा था मैं विश्वविद्यालय में सहायक यानी ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो है आपका एपीआई इंडेक्स है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे अगर यूजी में आपका 80% मार्क्स है तो आपको 15 मार्क्स, वहीं 60-80% मार्क्स 13 मार्क्स, वहीं 55-60% मार्क्स तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ऐसे पीजी में आपका जो है अगर 80 मार्क्स 25-80% और उससे अधिक है 25 मार्क्स या 60-80% के बीच में 23 मार्क्स, तो इस टाइप में आप देख सकते हैं। एमफिल में आपका अगर 60% और उससे ज़्यादा मार्क्स है तो 7, पीएचडी में अगर आपने आपके ऑलरेडी है तो 30 मार्क्स,
नेट विद जेआरएफ 7 मार्क्स, नेट 5, स्लेट या एसईटी सेट तो आपको 3 मार्क्स, वहीं आपका अगर रिसर्च पब्लिकेशंस मैक्सिमम 5 है तो आपको 2 मार्क्स इस पब्लिकेशन के हिसाब से 10 मार्क्स, वहीं अगर आपका लाइक टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस है पीडीएफ यानी पोस्ट डॉक्टर रिसर्च एक्सपीरियंस है टीचिंग एक्सपीरियंस है तो हर ईयर का आपको 2 मार्क्स यानी टोटल आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल फेलोशिप या इंटरनेशनल अवार्ड है तो 3 मार्क्स, वहीं अगर नेशनल अवार्ड है तो 2 मार्क्स। तो इस बेस पे जो आपका अपेंडिक्स तक प्रिपेयर किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और उसके बेस पे आपका जो है एक कट ऑफ जारी की जाएगी और उस कट ऑफ में अगर आपका जो ये अपेंडिक्स मैच करता है या आता है तब आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो कि आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे एपीआई इंडेक्स के बेस पे होगा, यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जाम उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे एपीआई इंडेक्स के बेस पे जो आपके मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और अगर उस मेरिट पे आप आते हैं तब आपको यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।